जय विकास के पास 300 बीघा खेत, एसआईटी की जांच में 150 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। जय विक्रम कांड की एसआईटी की जांच में विकास दुबे और उसके साथी जय वाजपेयी समेत रिश्तेदारों व गुरुओं की करीब 150 करोड़ की संपत्ति उजागर हुई है। पीएफआई के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, यूपी के लखनऊ व बाराबंकी सहित कई जायजों में छापे। विधान परिषद चुनाव की मतगणना जारी, सपा प्रत्याशी राम सिंह राणा ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, हंगामा। यूं ही नहीं है मुख्यमंत्री योगी के मुंबई दौरे पर ठाकरे की तलखी, परेशान कर रहा है सियासी संकट। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई दौरे और फिल्म जगत के लोगों तथा उद्योगपतियों से मुलाकात पर शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तलखी, यूं ही नहीं है। चचेरे भाइयों की मौत का मामला, हत्या का मुकदमा दर्ज, एडीजी ने गठित की एसआईटी की टीम। जहां मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र की बामी गांव में एक ही परिवार के तीन बच्चों की बंदी में मिले शव का गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम हुआ। आरोपियों के परिजन बोले, हमें नहीं मालूम कि कहां है हमारे बच्चे, कोई संपर्क नहीं हुआ। हाथरस में बिटिया के परिजनों की सुरक्षा में बुधवार को भी सीआरपीएफ तैनात रही। लौटकर भी घर नहीं आई बारात, एक साथ उड़ गई आठ अर्थिया, परिवार पर टूट पड़ा पहाड़ों का दुख। जहां उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का है पूरा मामला। रेडियो के जरिए बच्चों में शिक्षा का अलग जागा, अनीता जानी इनके शो में क्या है खास। कारोबारी की गर्भवती पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की आशंका, बाथरूम में पड़ा मिला शव। जहां कानपुर के स्वरूप नगर के शिवालिक अपार्टमेंट में बुधवार को एक केमिकल कारोबारी की गर्भवती पत्नी का शव मिला। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में इलाज की व्यवस्था बेपटरी पर, घायल ने तोड़ा दम, परिजनों ने लगाया ये आरोप। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।